दुनिया तेज चलती हुई लेकिन शहीदों को नमन करने के लिए हाथ में मोमबत्ती लिए वो लोग आज भी जमा हैं। जी हां, कल शोक संवेदना में शरीक थे। आंधी हवा तेज है लेकिन फिर भी अपने हाथ से वो बचाते हुए और जो जवान शहीद हुए हैं उनको यहां अकीदत और तमाम शोक संवेदना में शरीक वो सारे लोग। जी हां भैया जी, कहिन में आपका स्वागत है। बादल घिरे हुए हैं, बरसात का अंदेशा है लेकिन यहां पर नमन करने वाले लोग जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। कल भी जब मैंने शो शुरू किया तो शोक संवेदना यहां पर लोगों ने प्रकट करी, आज भी लोग हैं यहां। तमाम हो हल्ला होता है, तमाम तरह से बाजी कही जाती है, बात कही जाती है, हर तरफ से शोरगुल होता है लेकिन जब बात देश को नमन करने की हो, जब बात शहीदों को सैल्यूट करने की हो, जब बात शहादत की हो तो सब के सब यहाँ पर शरीक होते हैं। मैं आपके जो ये आपने मोमबत्तियाँ लाए हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप शरीक हो रहे हैं, आप तमाम सारे लोग शहीद हैं या शहीदों के इस शोक संवेदना प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी कहीं की तरफ से मैं तमाम आप सारे लोगों को यहाँ पर जो शरीक हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। जी कुछ कहना चाहते हैं सर? सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि ये राजनीति बंद कर हमारे जो सैनिक जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए सोचा जाए सर। जो भी नेता हूँ मैं कहता हूँ पूरी पार्लियामेंट के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो ये सोचकर इस टाइम आज सोचें कि हमारे सैनिकों के साथ इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे तो खामखां हिफाजत में लगे रहते हैं। कांटे तो खामखां हिफाजत पे लगे रहते हैं, उसको फुर्सत नहीं पलट कर देखने की। किरदार आप ढूंढिए, शेर मैं पढ़ रहा हूं वसीम साहब, प्रोफेसर वसीम साहब का। उसको फुर्सत नहीं पलट कर देखने की, हम ही दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं, हम ही दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं। तमाम सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं मुद्दे से जोड़ते हुए, तमाम हमारे मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर शरीक हैं उनको यहाँ पर उनका अभिवादन करते हुए मैं तारुफ कराऊं और उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। बैठिए आप बैठिए, इतनी जल्दी बोलने पे आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे गेस्ट से पहले ही बोलने लगते हैं। बैठिए आप। मैं राधिका खेला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, उम्मीद करते हैं आज गला ठीक होगा नवीन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कल लेकिन उसके बाद भी आपने खूब हल्ला मचाया। मैंने हल्ला नहीं मचाया, मेरा क्या लगता है कला तो सबकी जो भावना है ना उसकी वजह से ठीक हो जाता है, कई बड़ी ताकत मिलती है। आज मैं मालूम है प्रोग्राम गले पे करने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, आज प्रोग्राम का जो मौजूद है वो गले है, गला ही है। हाँ, क्योंकि इधर के भी गले बहुत तेज है, उधर के भी गले बहुत तेज है। गले से जो स्वर निकलता है हाँ, उसके अंदर या तो सबको पिरो लिया जाए हाँ, और या सबको बांट दिया जाए जैसे दूसरे लोग करते हैं। हम तो सबको पिरोने का काम करते हैं। नहीं नहीं, पिरो लिया जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन सवाल इस बात का है कि एक जैसा बना दिया जाए वो ना हो, बस यही फर्क है। नहीं, मैं समझ गया, मुझे मैंने जो कहना था वो कह दिया जी। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अमलेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेन चौधरी जी हमारे साथ अध्यक्ष किसान शक्ति संघ से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी। एस के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। मोमबत्ती अभी भी जल रही है जी, हाँ जी दोनों हाथों में जल रही है, दोनों जल रही है, कोई बात नहीं, एक से दूसरे को जला लीजिए, एक दूसरे से दूसरे को जला लीजिए जी। कहां से आप आए हैं साहब? मैं दिल्ली से ही हूं जी। कुछ कहना चाहते हैं? जो शहीद हुए हैं मैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, इससे जो है पूरे देश को एक रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए और इसमें इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति करने वाले राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि किसी ने कहा कि ऐसा छक्का मारो कि हिंदुस्तान के बाहर मोदी जी गिरे, वो मारा मोदी को बाहर उड़ा दिया, ये कौन सी भाषा है? इस पर एतराज जरूर हो सकता है कि आखिर ये किस तरह की भाषा है। अमलेंदु जी मैं पॉलिटिकल पार्टी से ना शुरू करके आपसे शुरू करना चाहता हूँ, ये किस तरह की भाषा है? देखिए असल में ये भाषा इस तरीके की है कि जब गैर राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिज्ञ बन जाता है
नहीं तो घनघोर और गैर साहित्यिक व्यक्ति जब साहित्यकार बनने लगता है तब इसी तरह की चीजें होने लग जाती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हो किसी के बारे में कह रहे हो? सवाल प्रधानमंत्री का ही नहीं, किसी के बारे में भी कह रहे हो। प्रधानमंत्री के बारे में कहना ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी के बारे में भी कह रहे हो गलत। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, दोनों तरफ से ये बात बंदिशें लागू होती है, दोनों तरफ से चीज लागू होती है, लेकिन इस शब्द को पलट देना, गिरे को मरे कर देना, ये भी गलत है कि बाहर जाके गिरे को कर दे, बाहर जाके मरे ये कर देना, ये भी बहुत ज्यादा ये भी गलत है। जी अवधेश जी, मैं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अखबारों की हेडिंग्स को गुजरते हैं, बैठिए बाबू जी, तमाम अखबारों की हेडिंग्स और टेलीविजन की हेडिंग्स से गुजरते हैं, ये किस तरह की लैंग्वेज है? दोनों तरफ की है, मैं उधर भी वाला भी पढ़ देता हूँ, उधर वाला भी पढ़ देता हूँ। देखिए ऐसा है, इसके तीन इसके पहलू छोटे छोटे बिंदु में मैं रखूंगा एकदम संचय। पहला तो ये है कि कुछ चीजें चुनाव में हमको स्वीकार लेनी चाहिए, जैसे बारिश होता है तो सब नदी में गंदले पानी, गंदगी सब बाहर आके दिखने लगती है, तो चुनाव भी जो है लोकतंत्र की एक बारिश है जिसमें सारी गंदगी आपको, जो भी आपके लोकतंत्र राजनीति और समाज की गंदगी है, वो विद्रूप रूप में आपके सामने दिखता है। लेकिन बरसात के बाद नदियों में प्राकृतिक रूप से जो सफाई की प्रक्रिया होती है, दूसरा पहलू है कि वो हमारे राजनीति के तंत्र में नहीं है कि चलो चुनाव भर जो हो गया इसके बाद सफाई किया जाए, ये चिंता का विषय है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें तो आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन जैसा अमलेंद्र जी कह रहे थे, मेरा अपना कहना है कि इसको जड़ को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर राजनीति हमेशा मूल्य और मुद्दों पर होगी, राजनीति में उम्मीदवार ऐसे लोगों को बनाया जाएगा जो मूल्यों और मुद्दों से संघर्ष करते हुए जनता के बीच से उठ के आए हैं, तो उन मूल्यों और मुद्दों पर बात करेंगे जनता के बीच। जब ये चीजें हट जाएगी तब व्यक्तिगत हमले होंगे, चुनाव जीतना मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, तो फिर उसके लिए सख्त की सीमा। जी, कोई भी किसी भी अभद्र भाषा का या टिप्पणी करे तो उसके ऊपर चुनाव आयोग को कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं इसी निष्पक्षता से चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी पर भी कार्रवाई करेंगे, जो उनकी लाल आंख से बार बार डर जाती है। आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में गिरिराज जी मालूम क्या कह रहे हैं? गिरिराज जी ने तो कह दिया वो बगैर दांत के हैं। गिरिराज जी वही है ना जिन्होंने 3 मार्च 2019 को, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं आएंगे उनके लिए इस देश में जगह नहीं है, वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात जो है प्रतीक जी, वो स्वयं गिरिराज सिंह जी उस रैली में नहीं गए, तो अब पहले तो ये तय करें कि उनकी जगह कहाँ है हिंदुस्तान में। कि नवजोत सिंह सिद्धू से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, अगर उन्होंने चुनाव आयोग की किसी भी बात, किसी भी रूल का उल्लंघन किया है, तो चुनाव आयोग को उनके ऊपर 100% कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन निष्पक्षता प्रधानमंत्री को उस कटघरे से बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी इसी देश की जनता का हिस्सा है और उन पे भी हर चीज लागू होती है। अगर किसी और पार्टी के लीडर का सामान चेक किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी का जब हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है तो उस आदमी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और जब प्रधानमंत्री जी बार बार चुनाव आयोग की रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करते हैं, अमलेंदु जी प्लीज, चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कि सेना के नाम पर, सेना के शौर्य के नाम पर, सेना की वीरता के नाम पर आप वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, पहली बार वोट देने वाले बच्चों को वोट देते समय बालाकोट का याद रखना चाहिए। धन्यवाद प्रतीक भाई, पहली बात मैं यहीं से शुरू करता हूँ। राधिका जी तो बहुत लंबे, इनकी पार्टी बहुत लंबे समय तक सरकार में रही है। इन्होंने कानून बनाया था कि जो SPG का प्रोटेक्टी है उसके वाहन को और गाड़ी को चेक नहीं किया जाएगा किसी भी इलेक्शन में। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑन सिक्योरिटी, वो उसकी पूरी जांच करता है और वो उस पर नज़र रखता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी IB डायरेक्टर के बराबर होता है। आज जब से व्यवस्था लागू है तब से चल रहा है। SPG के जो प्रोटेक्टी है उसमें कांग्रेस के किसी नेता का भी आज तक चेक नहीं किया गया, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेक किया जाना चाहिए। नहीं मिला, नियम आपने बनाया था, उस नियम के खिलाफ उस अधिकारी ने किया, तो फरार क्यों है भाई? वो चुनाव आयोग का एक नुमाइंदा है ना, जिम्मेदार अफसर, IAS अफसर है, वो फरार क्यों हो गया वेस्ट बंगाल के अंदर? कांग्रेस का अभी इन्होंने कहा कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी के बयानों पर चुनाव आयोग ने पूरा जांच करने के बाद
बिल्कुल बताया कि वो निष्पक्ष है, उसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो चुनाव आयोग के खिलाफ। वेरी वेल टेकन। नाउ प्रतीक भाई, इस बार के चुनाव में तो काफी सारे दिलचस्प चीज दिखाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो हर चुनाव पे होता है, पर जिस तरह से अश्लीलतापूर्ण बयानबाजी हो रही है ना, वो मैं मानता हूँ कि इस बार चुनाव में अति हो चुका है ये चीज। Who is responsible? रेस्पॉन्सिबल तो सब है, और इसका इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो मौत की सौदागर से शुरू हुई है ये बात। आप कहानी वहां तक ले जाएंगे? बिल्कुल, वहां से ही तो कहानी शुरू हुई, वहां से ही शुरू हुई, और लगातार जिस तरह से सिलसिलेवार चलता रहा, कभी चाय वाला, कभी नीच जाति के, कभी भस्मासुर, कभी रक्तवीज, कभी महिषासुर, कभी पता नहीं चोर, पता नहीं क्या कुछ, कभी आतंकवादी। कुछ नेता कर्नाटक में कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तो उनको गोली से उड़ा दो क्योंकि वो आतंकवादी है। कोई कहते हैं कि सड़क के उस पार भेज दो, वो आतंकवादी है। ये जो चीज है ना, ये चीज पे अंकुश लगने की आवश्यकता है। राधिका बहन ने कहा है कि बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि मौत के सौदागर से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की जिसको नीच का, सुनो सुन लो, मैं तो केवल जनता से जो आपके बड़े चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हो, यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके गाली देने से जनता को रोजगार मिलता हो, रोटी मिलती हो, किसान को उसकी लागत जो है कम होती हो, भैया खूब गाली दो, हम खूब ताली बजाएंगे। सुन लो मेरी बात। लेकिन शांति यार, सारे एक आदमी के बीच में आप मत बोलो। मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ कि स्वामीनाथन आयोग इन्होंने बनाया, 8 साल तक उस पर सोए, उसके बाद कोई सिफारिश लागू नहीं की। आपने कहा कि लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, आपने भी उसको पूरा नहीं किया। इस प्रश्न को मैं ना पूछूं, इसलिए गाली देकर के भिड़ के पंचायत में रायता बिखेर करके निकल लो। ये जो बात है आपकी, ये चलने वाली नहीं है, जनता पहचान रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 100% लागू ना करना, क्या वो गुना है? या फिर 80% 75% लागू कर देना, क्या वो गुना है? आप मुझे ये बताइए ना, 85% इस सरकार ने लागू किया है, वो अगर गुना है तो वो तो कब्रिस्तान था जो जिन लोगों ने नहीं लागू किया था स्वामीनाथन आयोग को। बता रहा हूँ, अगर शादी में बैंड बाजा बारात दावत बहुत बढ़िया, लेकिन दुल्हन नहीं दूंगा तो शादी नहीं मानी जाएगी। 1.5 गुना कीमत दुल्हन थी, दुल्हन वो आपने नहीं दी, वो आपने नहीं दी। लागत का 1.5 गुना कीमत आपने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। आपने जनाजा निकालने से बाराती निकलना बेहतर है, ये आप मान लीजिए। दत्ता जी तर्क लाए हैं। बारात आप अपने घर रखो, दार है, जब दुल्हन ही नहीं आई तो शादी किस बात की? आप कह रहे हो हमने तो शादी कर दी, सब फेल है आपका मामला, आपका सब मामला फेल है। ऐसे इनका जैसे इनका फेल था वैसे ही आपका। मेरे केवल इतना कह रहा है, स्वामीनाथन कमेटी की पुष्पेंद्र जी बात करते हैं और गाली देने की बात करते हैं, गाली कौन दे रहा है भाई? कांग्रेस के नेता लगातार गाली दे रहे हैं, विपक्ष के नेता गाली दे रहे हैं, उनको आपने रोका क्या? मैंने आपकी तरफ से जो कह रहे हैं, पढ़ूं क्या? मैं क्या पढ़ूं? क्या कहा हमने? गलत कहा क्या? कोई दूध का चूल्हा नहीं है। ये गालियां दे रहे हैं, नीच से लेकर मच्छर से लेकर क्या निकाल नाली का कीड़ा से लेकर। दूसरी बात, मैं गिनवाऊं कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, गाय, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, जो इन्होंने बात करी ना, मौत का सौदागर, शायद ये भूल जाते हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ही गुजरात में इसका शब्द का प्रयोग किया था, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी लेकर गए थे रथ। अरे आप लोग तो अपने ही लोगों की इज्जत नहीं करते, बाकी विपक्षी पार्टी की क्या करेंगे? कांग्रेस को गाय कहना अगर गाली लगती है और किसी को नीच कहना, मच्छर कहना गाली नहीं लगती, तो इनको समझ में होगा। दूसरी बात, पुष्पेंद्र जी ने दूसरी बात कही कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने A2+ 1.5 गुना जो हमने देना है उसका 1.5 गुना, फसल की लागत का 1.5 गुना देने का काम किया, 2 गुना का काम चल रहा है, इसके अलावा सारी शर्तें मांगी है। एक बयान पढ़ता हूँ, गिरिराज जी कहते हैं राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे, वो रानी के पेट से पैदा हुए हैं। प्रतीक भाई, वो रानी के पेट से पैदा हुए, सीधा जवाब दो, सीधा जवाब दो। सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले परिवार के लोग क्या कहेंगे उसको? आप जिसको ये नहीं पता कि खेत के अंदर आलू का पेड़ होता है, आलू उगाया जाता है, जिसको दाल के बारे में नहीं पता, वो किस बात की बात करेगा? सोने की चम्मच लेकर के बात करेगा? दूसरी बात, देश के अंदर मैं अरुण जी के यहाँ पैदा होऊंगा, ये मैं तय करूंगा या कैसे होगा तय? ये कैसे तय होगा? आप किसी के पैदा हो, लेकिन जमीन पे काम करना पड़ेगा। अगर आप समाजवादी परिवार के आप क्यों कहते हैं? अगर आप समाजवादी परिवार के अंदर पैदा होकर के समाजवादी बातें करेंगे तो लोग को सवाल उठाएंगे।
सोने के चम्मच लेके पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, सोना लूट के पैदा होना गलत गुनाह है। ये सच्चाई है। क्या ये भी बता दिया है अभी 210 सोना जो गिरवी रखा गया है कहीं सूचना नहीं आ रही है उसका? पहली बात, इस सरकार ने 5 वर्ष में पहली बार है किसी देश से कर्ज नहीं लिया। इस सरकार ने पहली बार है इस देश के कभी अस्मिता को गिरवी नहीं रखा। इस सरकार के अंदर पहली बार हुआ जो कांग्रेस के नेताओं से नए गड्डिया मिल रही 300-300 करोड़ 3 से 3 महीने के अंदर वो सरकार में कर। भाई आंकड़ा ये है कि जब आपकी सरकार आई थी देश के ऊपर 52 लाख करोड़ का कर्ज था, 85 लाख करोड़। जापान से कितने करोड़ रुपए मोदी जी लेके आए बुलेट ट्रेन के लिए, इनके पास सवाल है। जी जी जनाबे अली, मैं प्लीज चाचा बैठिए जी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जी साहब, उत्तराखंड में कहाँ से? मैं आर्मी से एक्स सर्विस मैन हूँ, मैं कैजुअल्टी हो गया था लंका के अंदर में। और एक सैनिक किस तरह से एक नए लोकेशन में जाकर के किस तरह से हताहत होता है उसका मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार जो सैनिक है उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए और वो इतने हथियार, इस टाइप के हथियार जो आधुनिक हैं वो उनको मुहैया कराए कि वो जो माओवादी हैं आतंकवादी हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ सकें और उन शहीद जो हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपकी बात से सहानुभूति भी रखता हूँ और पूरी तरह से सहमत भी हूँ। जरूरी जरूरी सर, है सर, जी सर ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये जो पॉलिटिशियन है लीडर पे जो इतना एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस से सेविंग करके जो ट्रक वगैरह इनके होते हैं वो सारे सर IED प्रूफ या इस तरीके का जो आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अडॉप्ट करके, ताकि ये जो आए दिन पुलवामा हो रहा है, कल गढ़चिरौली हुआ, फिर सर इन सब से फ्यूचर में बचा जाए, उन सब पैसों से सर बचाया जाए। और सर आपने स्टार्टिंग में एक बात कहा कि सर सिद्धू जी ने इस तरीके से कहा, देखिए सर सिद्धू जी का एक नैरेटिव बन चुका है किस तरीके के आदमी है सर उनका, देखो वो एक मतलब चाटुकारिता की पराकाष्ठा है उनके अंदर। वो कल बीजेपी में थे तो ये कांग्रेस के लिए कहते थे, आज कांग्रेस में बीजेपी के लिए कहेंगे, कल अगर वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो दोनों को कहेंगे। अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल सर वही कहेंगे, क्योंकि वो उनका सर वो कॉमेडी शो में आते तो सभी का तारीफ करते थे जो उनके दुश्मन होते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत कई महीनों तक देखता था, बाई चांस मैंने यहाँ आपका देख लिया आप में और मैं आपसे मिलने आ गया। मेरे को तो ये जो इन्होंने कहा ना जो खर्चा सबका जो नहीं मध्य प्रदेश और जो कैबिनेट का लीडर्स का उनका जो पेंशन होती है ऐसे मल्टीप्लाई करती जाती है, मल्टीपल 4-4 लाख रुपए उनकी पेंशन हो जाती है और मोदी जी का अरबों रुपए खर्चा जाने का है और लाखों रुपए उनके कपड़े डलते हैं, इनको खर्चा लगा के उधर करे ऐसे आंसू नकली ना भाए। हम लोग कब तक मोमबत्ती जलाएंगे? वो असली जो जवान शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं उनकी सुरक्षा पे और जो जवान हमारे जाते हैं उनकी सुरक्षा पे लगाए जाए। जी मैं आ रहा हूँ, इधर क्यों कौन उठा रहा था? जी हाँ जी, वर्षों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जो किसानों की समस्या है उसकी वजह से जानकारी नहीं है सर। किसानों को जो खेत की जुताई बुआई भराई में इतना महंगा पड़ता है, जब तक ट्रैक्टर की जुताई या डीजल पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी किसानों को एक पैसा उसमें बचता नहीं। जी जी राधिका, मैं ना एक आंकड़ा पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि ये कर्ज की बात कर रहे थे कि 70 साल में इस देश के ऊपर कितना कर्ज था 70 साल में, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, हमने 4 दिन पहले रिलीज भी किए। जब सुनिए ठीक है, तो 70 साल जो ये कहते हैं कि कांग्रेस का 70 साल का शासन था उसमें जो आंकड़ा था और अब जो आंकड़ा है, हमारे 130 करोड़ जनता है उसके हिसाब से हर यहाँ पे खड़े हुए नागरिक पे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे ये भाई हूँ, 23,000 रुपए का कर्जा है, क्योंकि इतना कर्जा इस सरकार ने ले लिया है कि वो हम लोगों को बैर करना पड़ेगा। तो हम कर्जे में, ये सरकार कर्जे में नहीं है प्रतीक जी, आप कर्जे में है, मैं कर्जे में हूँ, ये भाई खड़ा हुआ कर्जे में जिसके ऊपर 23,000 रुपए का कर्जा है। कांग्रेस लगातार देश को कर्जे में डुबो के गई, हर आदमी जो बच्चा भी पैदा नहीं उसके ऊपर भी कर्जा लगा करके गई और आज आकर के भाषण दे रही कि हमने कर्जा बनाया। हमारी सरकार ने, मैं गारंटेड कहता हूँ, सरकार का दावा है और सरकार की किसी भी नीति में दिखा दो कहीं है तो मैंने इनसे कहा है सरकार का दिखाइए, इनकी वेबसाइट के व्हाट्सएप का नहीं देखना, एक भी सरकार ने किसी से कर्जा नहीं लिया किसी भी देश से, मैं दावे से कहता हूँ, अगर है तो उस देश की कर्जा आप रिस्पॉन्सिबल चैनल है और दिखाइए कल फिर और बताइए। हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मीडिया को रिलीज किया है, 70 साल में डेब्ट 53,000 करोड़ था और इनके आने के बाद 4 साल में वो चल के 83,000 करोड़।
विवेक जी, अर्थशास्त्र पर बोलूं या मैं जो विषय है उस पर, इस पर भी बोलूं? विषय पे। अच्छा, मेरा विषय इसको मैं एक लाइन में स्पष्ट कर दूं। देखिए, हर वर्ष सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करती है कि पब्लिक डेट डेप्ट गवर्नमेंट पर कितना है। तो इस बार 83 लाख करोड़ टोटल पब्लिक डेप्ट है। जब एक मिनट 49% बढ़ा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अर्थशास्त्र को बिना समझे पब्लिक डेप्ट को हम, जैसे उदाहरण के लिए, इस पूंजीवादी दुनिया में पब्लिक डेप्ट क्राइसिस और खतरा नहीं माना जाता है। जापान के टोटल जीडीपी का 2.5 गुना ज्यादा पब्लिक डेप्ट है, अमेरिका का 3 गुना ज्यादा पब्लिक डेप्ट है। इसकी एक अलग विश्लेषण इसका होता है। इसलिए अर्थशास्त्र को बिना जाने उसको अनर्थ करना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, उसको मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति की भाषा, अभी मुझे एक शेर मिला, सियासत की अपनी एक जवा है, अलग एक जवा है, लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। ये सियासत के बारे में किसी ने अभी मुझे भेजा है। देखिए, कुछ चीजों तो आपको, जैसे मान लीजिए कोई चेहरा अगर राजनीति में विदूषक है तो हमको उसको विदूषक मान के पहले क्षमा कर दीजिए कि भैया ये तो ऐसा ही बोलेंगे। भाषा जो है आपके विचार और संस्कार से निकलता है। अगर नरेंद्र मोदी गलत या सही है, नरेंद्र मोदी एक विचार के प्रतीक है। राहुल गांधी गलत या सही है, वो एक विचार के प्रतीक है। मायावती एक विचार की प्रतीक है। तो मेरा कहना यह है कि जिसकी जो भाषा निकल रही है उसके आधार पर उसकी विचारधारा का मूल्यांकन करिए, लेकिन सच तो बोला जाएगा नहीं। मेनका गांधी जी ने जो बोला वो सही है, गलत? बिल्कुल गलत था। कैसे सही कह देंगे आप जो है मन से खड़ी होकर के, आप दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रही हो, चार चार बार आप सांसद रही हो, आप मन से खड़ा होकर कह रही हो कि मेरे पास मुसलमान आते हैं काम के लिए, तो मुझे होता है ये तो हमको वोट ही नहीं देते हैं, तो इनका काम क्या? प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वो सही था? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का तो मैं ये कहूंगा कि उसको राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं है, मैं तो उसको क्षमा कर सकता हूं, लेकिन मेनका गांधी को क्षमा नहीं कर सकता हूं, राहुल गांधी को क्षमा नहीं कर सकता हूं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मन से खड़ा होकर कहता है चौकीदार चोर है, तो इसको आप शिष्टाचार की भाषा कहेंगे? और उसका जवाब नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत, बिल्कुल दिया जाएगा। भारत की राजनीति में आप प्रधानमंत्री को खड़े होके नहीं कह सकते, पूरी बात कर, गलत है ये। देखिए, राजीव गांधी के खिलाफ बहुत सारे आरोप था, लेकिन कभी मैंने बीपी सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, जॉर्ज फर्नांडिस को, लाल कृष्ण आडवाणी को खड़ा होकर राजीव गांधी को चोर कहते और नारा लगवाते नहीं सुना। इंदिरा गांधी पर बहुत सारे आरोप थे 1977 में, किसी देश के बड़े नेता ने मंच पर खड़ा होकर, चाहे जयप्रकाश जी हो, मुरारजी भाई हो, ये नहीं कहा कि नीचे के लोग। लोकसभा में पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्या बोला था? प्रधानमंत्री चोर है। इन्हीं की जिस पार्टी की अभी शायद ये वो कर रहे हैं विचारधारा से, क्योंकि ये भी किसी विचारधारा से होंगे। तो भाजपा के जो सोशल मीडिया के हेड है, उन्होंने तो पूरे सोशल मीडिया पे चलाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चोर है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी चीज गिनवाई। मैं भी गिनवाऊंगी, आपने बोला कि किसी भी नेता को किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रतीक जी, जब मंच पे खड़े होके जो इस देश की कसम खा के गंगा मैया की कसम खाता है और कहता है कि गंगा मैया ने बुलाया, मैं गंगा मैया का सर नहीं झुकने दूंगा, गंगा मैया को साफ करूंगा, पर नहीं किया। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का हर साल वादा करता है पर नहीं मिली। बेटी बचाओ का वादा करते हैं पर अपने ही वाराणसी क्षेत्र में बेटियों को लाठी पढ़वाते हैं। तो आप बताइए प्रतीक जी, उनको मैं चोर कहूँ, सपनों का चोर कहूँ, झूठा कहूँ कि राजा हरिश्चंद्र? मैं यहाँ से वहाँ नहीं आना चाहता, जैसे यहाँ से वहाँ चले जाऊंगा, लेकिन हम लोग बाद में बोले, मैं दे दूंगा। जिस गंगा मैया का आचमन कांग्रेस का कोई नेता कर नहीं पाया, उस गंगा मैया का आचमन प्रियंका गांधी वडेरा ने सबके सामने किया, देश के सारे मीडिया ने दिखाया। उसी गंगा मैया से बैठ करके बनारस अक्षा हुआ और बोट के अंदर चले गए। आप कैसे चले गए? वहां पे घाटों को जाकर के देखो, वहां पे लोगों को देखो, वहां जो बता रहे हैं बनारस को कोयटा बनाने का काम जो किया है, वहां लोग आज तारीफ कर रहे हैं, इनको पीड़ा हो रही है। मेरा कहना यह है कि आपने 70 वर्षों में गंगा ही नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति के पास तक गंदगी पहुंचाने का काम किया है। हमने मैं सेंटेंस पूरा होने दीजिए। अरे सेंटेंस हो गया, अरे मेरी बात हो गया। हमने जो है गंदगी जब हटाने का काम किया है तो पीड़ा कांग्रेस को तो होगी होगी ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दो, इनके नेता अपने मुंह से जो गंदगी पैदा कर रहे हैं, लगातार जो लोगों हमारे नेताओं को गालियां दे रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ऐसा है, मैं राधिका पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि आलोचना में भी मुस्कुराती रहती है और मुस्कुरा के जवाब दे
देती है, ये संस्कार हर पार्टी के राजनेता में होना चाहिए। सो आई लाइक हर, हमेशा मैं इसको देखता हूँ। एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर और पढ़ देता हूँ, फिर मैं बात कहता हूँ। मेरे सयाद की तालीम है धूल धूम गुलशन में, यहाँ जो आज फंसता है वो कल सयाद होता है। तो हमारी राजनीति की हालत ये हो गई है कि जब आदम खान कुछ बोलते हैं तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं, वो कल सयाद हो जाएगा। तो जनता को भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई नेता अभद्र और अशालीन भाषा का प्रयोग करता है और हम बैठ के तालियां बजाते हैं और उसको वोट देते हैं, तो इसको देख के दूसरा भी कोई कल करता है। मूल बात है लोकतंत्र में जनता को ही तय करना है कैसे नेता। प्रतीक, प्रतीक भाई, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को भी आज अंकुश लगाने की आवश्यकता है नेताओं की जुबान के ऊपर। जनता अगर उत्तेजित होके और आक्रोश में अगर शोर शराफा मचा के किसी नेता को अगर दबा देते हैं, दोबारा किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह का गंदगी पे उतर आए। राधिका बहन कह रही थी कि गंगा की। सर छोड़िएगा, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट और सलाम के, आपने शहीदों को याद किया। बड़ी बात होती अगर राजनीतिक पार्टी अगर एक दिन के लिए इस ढोल नगाड़ों को बंद कर देते तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होती। दूसरी चीज़ एक गिला शिकवा भी है कि हमारे जवान शहीद होते और उनके नाम पे वोट मांगा जाए, तो ये मेरे दिल की बात है। जी हाँ, का मांगो, एमपी का मांगो, इसलिए तुम्हें भेजा है, किसलिए वोट डाला है, तुम्हारी फोटो 5 साल में देखने के लिए। पेंशन, पेंशन आप लोगों ने बंद कर दी सरकारी ऑफिसरों की, नेताओं की पेंशन चालू है सरकारी ऑफिसरों के। बाजी कभी कभी बहस, बहस बहुत जोरों पे है, इधर कुछ है उधर बहस कुछ और है, मुद्दे कुछ और हैं, इधर इधर मुद्दा कुछ और है, यानी कागज का मुद्दा कुछ और है, जनता के बीच बहस कुछ और है। जी प्रतीक सर, सबसे पहले एक मिनट, एक मिनट प्रतीक सर, आपको मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, पहले तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा दिल से स्नेह करता हूँ। दूसरा, जो मोदी जी ने पुलवामा हमला करके जो जवाब दिया था, मोदी जी से भी मेरा एक अपील है कि सभी उनके देशवासियों की तरफ से जो उनको चाहने वाले हैं, कि मोदी जी प्लीज इनका भी आप जल्द से सख्त कदम उठाएं और इसके ऊपर जल्द से फैसला लें कि आपको अगला कदम कैसे करना है। दूसरा, ये जो यहाँ करप्शन, ये जो कांग्रेस इसके ऊपर भी जो लालछन लगा रही है, जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं, यहाँ खड़े हुए जितने लोग हैं आधी अधूरी जानकारी लेके यहाँ लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं। सही मायने में कांग्रेस के राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर को, मोदी जी यहाँ खड़े हुए कुछ लोग फिर से चौकीदार चोर का नारा लगाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो आपके आपके नेता आपके राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं, तो आप लोग क्यों? ये राहुल जी जो सर चौकीदार चोर है जो नारा बनाए, एक्चुअली सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केजरीवाल जी से इंस्पायर हुए। जब केजरीवाल प्रतीक जी आपको नमस्कार, नमस्कार। हम तरफ से, हम सबकी तरफ से, और आपका आने का हम करते हैं सब इंतजार। हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये लोग बेवजह मचाते सब शोर हैं, ये सब लोग बेवजह मचाते शोर हैं, और इन पर वरिष्ठ नेताओं का इन पर बहुत ज्यादा जोर है, इन पर वरिष्ठ नेताओं का इन पर बड़ा जोर है। और देखा जाए अगली लाइन, अगली लाइन जब तक मैं आऊं तब तक आप जोड़ लेना। अगली लाइन जब तक मैं अहमदाबाद, ये जो सब है ना दिखावा है, जो असल करा है ना वो इंदिरा गांधी ने, गांधी बापू ने करे, ये सब माल खाने वाले, चाहे अहमदाबाद गुजरात में मोदी हो या ये वो, सब माल खाने वाले, कोई किसी का नहीं है, सब पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, कोई किसी का काम नहीं। तो बहन बहन करते हैं मेहनत, बहन बहन आप गुजरात से, हम गुजरात से, ना हमारा मोदी पूरा करता है ना ये इंदिरा गांधी पूरा करता है, करता है हक से, तो अपना वो है ना इंदिरा गांधी वो करता है मेहनत करने में, आधा दिन करता है, ठीक है। सुनना, देखिए सुनना पड़ेगा सब, जनता है, जनता है। पंडित जी आ रहा हूँ, रुकिएगा, आ रहा हूँ। जनता की बात सुनना बिल्कुल सही है, अभी अभी कहा ये बात तो सही है। अब तो जाओ, देखिए जो चौकीदार चोर है इन्होंने नारा दिया कांग्रेसियों ने, इससे खराब नारा मैंने जीवन में नहीं सुना। तथ्यों पे मैंने खूब विरोध किया, किसानों के मुद्दे पे खूब विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, और मैं आपको बता दूं आपके वोट, जितना आप शोर मचा रहे हो चौकीदार चोर है, आपके वोट घट रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके आपकी पूरी जो टीम है उसका मानसिक दिवालियापन है ये।
कि भाई आप चौकीदार चोर बोल रहे हो, आज तक आप बता नहीं पाए किसने कहां कितनी चोरी की। तथ्यात्मक बात आप रखी है, आपने कोई नहीं रखी, उसके बावजूद आप बार बार कह रहे हो। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें घसीट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात की तस्दीक की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको घसीटा तो आपने आप माफी मांगने की बात की है। आया पढ़िए, धैर्य से आ रहा हूँ, आऊंगा जरूर आऊंगा पंडित जी, 100% प्रोग्राम नहीं बंद होगा बगैर आपसे पूछे जी। प्रतीक जी 130 करोड़ प्लीज या 130 करोड़ की जनता का देश है, और मैं फिर गिनवाऊंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के चौकीदार ने सोते सोते कैसे कैसे चोरी करी, कैसे चोरी करी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया, उन सपनों की चोरी करी, महिला सुरक्षा करने का वादा किया, बेटी बचाओ का वादा किया, और इन्हीं के एमएलए से हमारे को बेटी बचानी पड़ रही है, उसकी चोरी करी, किसानों की चोरी कैसे करी, कहा MSP देंगे, इतना परसेंट वापस देंगे, क्या हुआ, ऐसी किसानों की आत्महत्या के आंकड़े है, 2017 के बाद आंकड़ों के ऊपर बैठ गई सरकार, हम आंकड़े नहीं बताएंगे। चोरी उसकी करी, हम पूछते क्या रोजगार दिया, कभी लेफ्ट बोलते कभी राइट जाते कि रोजगार के नंबर नहीं गिनाते, ये कहते चोरी क्या करी, राफेल में चोरी हुई, एक ऐसे इंसान को हैल, जो हमारी देश की कंपनी है जिसने इतने बड़े बड़े इतने वरिष्ठ हवाई जहाज बनाए, इतने बैटल की चीजें बनाई, उससे उठा के एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड। प्रतीक भाई चौकीदार चोर है, मामला किससे आया है, राफेल से आया है, राफेल पे तो हमारे देश के युवराज ने एक भी चीज साबित नहीं कर पाया। मैं हमेशा कहता हूँ राफेल तो मुद्दा है, रा मतलब राहुल गांधी, FAIL फेल, राफेल वही सच्चाई है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि चौकीदार चोर है बार बार कहते रहते हैं, अरे जिसके पास स्विस बैंक की तिजोरी का चाबी हो और चोरी का पूरा खान हो, वो प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, ये सच्चाई है। आपने चीजों को ढकने के लिए, देखिए दत्ता जी, नो दत्ता जी, आई वांट टू लव यू दत्ता जी, बेल पे नहीं है वो, कहिए लेकिन लेकिन आप पे है वो, कहिए आप वो स्वीकार है, लेकिन बात वो कहिए जो तथ्यों पर हो, बिना आधार के अगर बोलेंगे, बिना आधार के बोलेंगे तो मैं तो 100 बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा दत्ता जी आज मैं अधिकार नहीं है दूसरों पे बोलने की, दत्ता जी आप बेल वाली बात कहे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये कोई आप किसी और चैनल पे जाके खूब बोले वो स्वीकार कर ले, मैं नहीं स्वीकार करूंगा जब तक इन्होंने फेल का सवाल उठाया। दत्ता जी ये जवाब बताए, जब 0/5 भाजपा को दिसंबर में आए तो वो कौन फेल हुआ, नरेंद्र मोदी फेल हुए कि तड़ी पार अमित शाह फेल हुए, बताइएगा 0/5 कितना। सुनो मेरी बात, कांग्रेस कह रही है कि किसानों की हमने चोरी की, और किसानों की जमीन चोरी करके रॉबर्ट वडेरा ने मकान खरीद ले, सब सपनों की चोरी नहीं, कांग्रेस ने किसानों की जमीन चोरी कर ली साहब, वो लंदन में मकान खरीद लिए, जमानत पर है, जमानत पर गया, क्यों गया जमानत पर, वो जेल को नहीं भेजा, जेल को नहीं भेजा, आपने कहा था जेल भेजेंगे, जमानत पर है, जमानत हमने नहीं दी। दूसरी बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लेकर के प्रधानमंत्री ने देश में अलग जगाई, और राजस्थान में 2 दिन में 10-10 बलात्कार होते, कांग्रेस की सरकार है, कौन जिम्मेदार है इस बात का, किसे जवाब पूछेंगे, प्रियंका गांधी वडेरा बताएगी या राहुल गांधी बताएंगे। तीसरी बात, कौन फेल 0/5 कौन फेल, मोदी जी फेल की तड़ी पर अमित शाह, प्रदीप भाई दो ही तो पूछे मैंने। तीसरा जिस राज्यों की बात करते हैं ये, जिस 5 को कहते हैं वहाँ पे समझौते के साथ लड़ते चुनाव, और जैसे पंडित जी खड़े, हाँ पंडित जी मैं बोल सकता हूँ क्या, देखिए आज 1 मिनट व्यस्त शांत रहो, कल हमारे देश के 16 लोग शहीद हुए हैं, क्या किसी ऑफिस में छुट्टी मनाई गई, लेकिन आज प्रधानमंत्री के साथ या किसी मंत्री के साथ ऐसा होता तो पूरा देश बंद होता है, छुट्टी नहीं दी, 5 साल में क्या बात करते हैं, इनके तो हर नेता हर
पांचवे दिन चले जाते विदेश के अंदर घूमने के लिए, सबको नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बिना छुट्टी के 5 साल तक काम करते रहे और इस देश के अंदर ये बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही गई। और दूसरी बात प्रदीप भाई, मैं बार बार कहता हूँ इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी कभी जन्म लेता है। हम आज ये जो जब तक हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, और ये जो है मैं तो कहूंगा कांग्रेसियों ने ऐसी मूर्खता अपना रखी है, ऐसी चौकीदार चोर बोल करके इन्हें निकल भागने का मौका दे देते हैं। प्रतीक जी, अब मुद्दों की बात करते हैं और यहाँ पे खड़े बुजुर्ग जी की बात को आगे लेकर जाते हैं, जनता की बात को। इन्होंने कल महाराष्ट्र दिवस पे हुए वे इतने हौफनाक मतलब डरावने काम के ऊपर हमारे 16 जवान फिर शहीद हुए। किसका फेलियर है? चुप रही है। 16 जवान फेल हुए, लाल आग चीन को दिखानी थी, आज तक ना मसूद अजहर वापस आया ना हाफिज सईद वापस आया, लेकिन इनका आदमी वेद प्रकाश उसका इंटरव्यू लेने जरूर पहुंचा। इसका प्रवक्ता बोलता है कल वाली घटना पे गिर छोड़ोरी में कि वहाँ पे जो खट्टे उसमें नक्सली निर्दोष है। बताइए, नक्सलियों का समर्थन करने वाले यहाँ करके भाषण दे रहे हैं। दूसरी बात आतंकवादियों का समर्थन किसने किया समर्थन इन्होंने क्या कांग्रेस से? और दूसरी, आपने कहा था कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, होम डिलीवरी ये करे, आईएसआई को पठानकोट ये बुलाए और तड़ी पार अमित शाह कहे मैं आईएसआई की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। डन 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 डन। सीडिशन की कानून खत्म करने की बात कौन कर रहे हैं? सेना के अधिकारों को खत्म करने की बात कौन कर रहे हैं? अरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर झोली में किसने दे दिया था? अक्षय चिन्ह झोली में किसने दे दिया था? संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला कौन लेके गए थे? पंडित नेहरू ने क्या कहा था? कांग्रेस 300 जुलाई के महीने में 58 रुपए का डॉलर है और आज 74 रुपए का डॉलर है, तो हमारा देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है बीजेपी वालों से? हमारा रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? जहाँ रुपए की जहाँ बात आती है, इतिहास उठा के बताता हूँ। 1947 में 1 रुपए 1 डॉलर, 4 रुपए 1 पाउंड। कांग्रेस जब छोड़ के गई, रुपए का कीमत कितना हुआ? 62 रुपीज इक्वल टू 1 डॉलर, 62 रुपीज 1 डॉलर और 82 रुपीज 1 पाउंड। इसका जवाब दे पहले गद्दा इन्होंने। खड़ो चुपचाप और रस्सी के पीछे जाओ, चुपचाप खड़े रहो, हाँ जी चुपचाप। नो नहीं पूछूंगा, इधर जाओ। भैया जी, हम लोग भुसावल से आए हैं, महाराष्ट्र से। आपका प्रोग्राम एक नंबर अच्छा है, मगर ये इनका जो पैनल है, ये पैनल के अंदर आकर जो धांधली करते हैं साहब, ये पैनल चेंज करो, इससे आपके प्रोग्राम बहुत एक नंबर पैनल एक नंबर हो, मगर ये नहीं। जनता कह रही है कि सरकार का जो होना है वो होना है, वो तो कोई बात अलग है। पैनल जो है आपका, वो रोज वही हो जाता है और लड़ाई करता है, पैनल को बदल ले जाए। मोदी भाई, हम लड़ाई करने वाली बात कोई भी नहीं कर रहे हैं, जब मुद्दों की बात करते तो मुद्दों से भागते क्यों है? अभी कांग्रेस बार बार कह रही मुद्दों की बात करो, गुस्सा क्यों हुए? मैं गुस्सा इसलिए बात पे हुआ, जब नियम की बात करो, सब आप कहते हो मुद्दों की बात करो, मुद्दे सुनने भी चाहिए। कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए ना, 1 चवन्नी भर भी माफ नहीं किया। 4,500 रुपए इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो सरकार की स्कीमें थी पहले 10,000 से ज्यादा रुपया मिलता था गरीबों को, वो इन्होंने बंद कर दिया और नहीं दिया, उसका कारण सुनिए प्रतीक भाई। उसके बाद किसानों के कर्जे के नाम पर जो पैसा सरकार से निकाला गया, वो मिला तुगलक रोड कांड के अंदर, कांग्रेस के नेताओं के घर के अंदर क्यों मिला भाई वो पैसा? देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, चुनाव चल रहा है 2019 का, जो कांग्रेस ने वायदा किया है कि हम आएंगे तो सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आपको मैं बता दूं, ये 12 लाख करोड़ रुपया है, अगर गलती से भी तुम्हारी सरकार बन गई तो सबसे पहले तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा, पहली बात। दूसरा, पूरा करेंगे तो कौन किसके कपड़े? अन्याय वर्सेस न्याय की लड़ाई है और उस चौकीदार की चोरी और नींद से उठाने की जिसकी वजह से कल 16 हमारे जवान। दूसरा, जो 72,000 करोड़ रुपया 5 करोड़ परिवारों को देने की बात हुई है, सारे किसानों को देने की हमारी मांग है, 15 करोड़ को देने की। मनरेगा दिया और हम न्याय भी देंगे, हमने वादे पहले भी पूरे किए और आज भी करेंगे। हम कागज पे लकीर नहीं खींचते, हम धरातल पे काम करते हैं। मनरेगा किया और अब न्याय भी करेंगे।
वादे किए जाते हैं उनको पढ़ती भी, एक मिनट पढ़ती भी है, देखती भी है, सुनती भी है। अगर कोई गलत वायदा किया तो जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। ये अपनी तहजीब का एक नमूना है, ये गालियां लिख गया कोई दीवार पर, जो मुद्दा था मैं उस पर लौट आऊँ, बाकी ये सब तो चले गए, कोई कहीं चला कोई गया। और वो चीज जिसकी भी हम मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो क्या है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन मतलब माँ बाप, माँ बाप तो मतलब तुम यहाँ पे चिल्लाते हो और माँ बाप के ऊपर भी लगता होगा, नहीं नहीं तुम मतलब इंसान तो हो ना, क्या हो ना, इंसान हो ना। देखिए हाथ पकड़ा तो मैं नहीं पूछूंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ। अब हमारे कुछ मित्र कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम करते रहे, जब चौकीदार जग रहा था तो विजय माल्या चले गए, मोदी चले गए, तमाम लोग चले गए, एनपीओ था 3 लाख करोड़ था वो बल्कि वो 10 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो भाई इतना मत कहिए, जनता है ये सब समझती है चीजों को। एनपीए की जहां बात आती है, यूपीए ने इस देश के एक गमला पे 11,000 करोड़ का एनपीए रख के गया था। मौजूदा सरकार ने लगातार जो शुल्क के माध्यम से वापस ला रही है, लगभग 7,500 करोड़ के आसपास एनपीए वापस आ गया, बाकी 7,500 करोड़ वापस आ गया, बाकी जहां आने की बात आती है वो भी आ जाएगा। हेलो एक्सक्यूज मी, सबसे पहले इधर इधर बोलिए, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी मैं अभी से सर वोट देने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन 50 साल तक कांग्रेस रही है लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अरे मोदी सरकार तो 4 साल पाकिस्तान पाकिस्तान के घर में घुस के मारा। अरे एक बात है, कहने वालों का काम है माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कहने वाले कहते रह जाएंगे, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वाले कहते रह जाएंगे कि उस सदन की। अरे तुम तो कह दो पूरी बात अपनी, खड़े रहो चुपचाप, कहां जाओ। बीजेपी वालों से हमारा एक सवाल है कि वो 15 लाख का, थोड़ा थोड़ा तेज बोल लो जब आए हो, 15 लाख का आगे और दो करोड़ नौकरियां कहाँ गई, और जो गरीब जनता जो पिस रही है इस टाइम महंगाई से वो कहाँ गई, 200 रुपए किलो दाल भी की, 85 रुपए लीटर पेट्रोल भी का। कागज है लिखा सवाल पूरा आता हूँ। थोड़ी हल्की हल्की बूंदे गिर गई है, माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है, गर्दा छट गई है, चेहरे साफ नजर आने लगे हैं, देश में 65% चुनाव हो चुका है, बाकी बचा हुआ चुनाव सामने आने वाला है, जनता को मालूम है, 23 मई का इंतजार है, जनता समझदार है, 23 मई का इंतजार है, क्या बात है। और यहाँ पर नाना कलाकार हैं, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पराज पांडे, हजारीबाग झारखंड, आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा मुलाकात हुई थी, जरूर जरूर हुई होगी। दत्ता जी अभी एक किसी ने फोन किया मुझसे, कहा कि ये बताइए कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, हालांकि कोई औचित्य वाला सवाल नहीं है लेकिन फिर भी पूछ देता हूं कि आप क्यों इतनी भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं? देखिए प्रतीक भाई, कोई अगर कहता है कि भाजपा की तरफदारी या फिर कांग्रेस की तरफदारी, मैं तो मानता हूं कि माँ भारती का सेवा करना ही मेरे संस्कार में है, माँ भारती का सेवा करना अगर भाजपा की तरफदारी और कांग्रेस की तरफदारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि क्या आपको टिकट मिलने वाला है, मैं कहता हूं कि माँ भारती मेरे लिए पूरा, माँ भारती का सेवा करना मेरे लिए टिकट है, और वो अगर टिकट है तो मैं 100 बार वो टिकट लेने के लिए तैयार हूँ। भारती की सेवा करना। दत्ता जी मैं एक बात और कह देता हूँ, और किसी आइडियोलॉजी के साथ चलना कोई बुराई नहीं, नहीं मेरे कोई बुराई नहीं, मेरे कण कण में राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और मैं उसके लिए जीता हूँ और उसके लिए मरूंगा। ठीक है अब मैं दूं, देखिए ऐसा है, एक सेकंड, आपका इस शो देखने के बाद मेरा निष्कर्ष है कि अभी सब कुछ नष्ट राजनीति में नहीं हुआ है। मैं यहाँ भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना संघर्ष करते देख रहा हूँ लेकिन एक शब्द अशालीन और अमर्यादित नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक जो पिक्चर हम लोगों ने नेताओं के कुछ बयानों से बना लिया है कि राजनीति में सब कुछ खत्म हो गया है, वो स्थिति नहीं है। अभी भी राजनीति में ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, जिम्मेवारी से बोलते हैं, विचारधारा पर लड़ते हैं लेकिन मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करते हैं। जरूरत यह है कि जनता ऐसे लोगों को बल दे, एक
लाइन आप भागते बड़ी जल्दी है। अभी मैं कातिल सिपाही का एक निकाला हूँ शेर, आज आप सारे शेर सुनाने जा रहे हैं आज आपके लिए। ये सब एक देश के सारे नेता जितने भी लफ्ज हैं वो महकते गुलाब हैं, लहजे के फर्क से इन्हें तलवार मत बना। एक सूत्र को अगर हम याद रखें तो एक ही शब्द जो है वो मंत्र भी हो सकता है और वही शब्द गाली भी हो सकता है। ये प्रशिक्षण राजनीति में चाहिए। जब नेता के हाथ में जाता है वही मंत्र तो तंत्र बन जाता है। मैं आऊंगा आपको बोलना है कुछ जी, बहुत परेशान है बताइए सर। ये सारी बोलना चाहता हूँ मैं कि दोनों राजनीतिक पार्टी के ऊपर है कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी आम आदमी की बर्बाद होती है। क्या बात है, राजस्थान से हैं आप? बिल्कुल सर। क्या बात है जी, मैं नहीं रोज कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से गुवाहाटी हूँ। आसाम गुवाहाटी से? कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 5 जन है। 5 जन घूमने आए थे दिल्ली? हाँ जी। अच्छा तो मैं ये बताइए चाय वाय पिलवाऊं आपको क्या? नहीं, ठंडा अंडा मेरे लिए तो चाय पिला रहे हैं। चाय तो दुनिया का मोदी जी सच्ची में हकीकत है। जब से अरे मुझे मालूम है आप घर में नहीं बोल पाते होंगे। जब से मोदी सरकार आई है ना मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, हकीकत में बता रही हूँ। क्योंकि पहले इतने सालों से इतने बम फूटते थे, मैंने कि आसाम में पकड़ लेता हूँ, आसाम में इतने बम फूटते थे मैंने घर से बाहर निकलना मुश्किल था। और अब बिंदास हम लोग 12-1-2 बजे बिंदास हम लोग घूम सकते हैं। आप असम के रहने वाले? हाँ मैं मोदी सरकार के साथ। नहीं, आप रहने वाले बिल्कुल असम के? हाँ मैं असम के गुवाहाटी। अच्छा तो असम के पहले बड़े सब असम में? नहीं, मैं शादी हो गई क्योंकि शब्द आपने बिंदास बोला तो मैं समझ गया ये शब्द तो बिंदास असमिया नहीं बोल सकता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं ऐसे वेस्ट बंगाल मालदा की। बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी रह गया वरना अगर इनसे नहीं पूछा ना तो घर में यही होगा कि तुम सब बोला ही और मैं रह गया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कोई कितना भी जोड़ लगा ले आसमान को धरती पे क्यों नहीं ले आए, मोदी को आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं सर? उत्तराखंड। मैं जान गया था उत्तराखंड से। मैं इतना ईमानदार चेहरा इतना विनम्र चेहरा सिर्फ उत्तराखंड से हो सकता और कहीं से नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? एस रावत सर। रावत, मैं आपको बस देख के ये कह सकता कि ठंड रखो दिल्ली वालों, ठंड रखो। बोलिए आप। मैं कहता हूँ सर, जितने 55-60 साल कांग्रेस ने राज करा, अगर कांग्रेस से हर साल का हिसाब लिया जाता तो कांग्रेस भी गद्दार नहीं होती। और वो अगर उससे पाई पाई का हिसाब लेता तो हमारे देश में ये भ्रष्टाचार हुआ भ्रष्टाचार ही नहीं होता। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। एस रावत। एक काम रावत साहब, मैं एक शब्द आपका हटा देता हूँ पूरे सवाल से, अगर आपकी इजाजत हो हटा दूं। ये गद्दार शब्द हटा देते हैं, बाकी सवाल आपका सही है। बाकी सवाल सही है क्योंकि किसी पार्टी के आगे ये जब लगाते हैं ना तो मुझे लगता है कि मुझे ही गाली दिखा दी गई क्योंकि चुना तो मैंने ही था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ही लोग तो थे चुनने वाले, आपके वालिद हमारे पिताजी, आपके दादा हमारे दादा, तो जो चुना है उस पे हमें एतबार होना चाहिए और यही जनतंत्र की ताकत है। वक्त मालूम है तुम्हारा, तुम हमेशा चिल्लाते हो कान पे, मेरे कान अब कम सुनने लगे हैं तुम्हारे चिल्लाने की वजह से। पाजी तो मुस्कुराते हैं और तुम चिल्लाते हो, यही ना कि वे। और यहाँ पे मौजूद आज कैनॉट प्लेस में बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय में तमाम सारी बातचीत होती है। लेकिन भैया जी कहीं क्या, जैसा कि अवधेश जी ने एक इशारा किया, बहुत अच्छी बात थी कि चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हों, चाहे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हों, चाहे तमाम सम्मानित लोग हों, इस बात से सारे लोग इत्तफाक रखते हैं कि यहाँ पे कभी भी कोई ऐसी वारदात बातचीत नहीं होती जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए और कश्मकश हो जाए, ऐसा नहीं। तो बहरहाल बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। नहीं, आप अपना काम करती रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सर नया युग है सर, ये भी नया युग है सर। आज लेडी जो कि आज मोबाइल लेकर के और पिक्चर बना रही है वो भी आपकी, ये भी नया युग है सर। नया युग तो है, हम इसमें पुराने पड़ते जा रहे हैं लेकिन युग नया आता जा रहा है, मैं पुराना पड़ गया। हाँ बाबू जी कैसे हैं आप? सर आपकी दर्शन हो जाते इससे बड़ी क्या बात है। गजब है, कलर आपका जब आएगा जी, मोती आएगा। मोती आएगा, कौन आएगा? मोती बीजेपी ये तमाम जनता जानती है और तमाम पार्टियां भी जानती है कि प्रधानमंत्री के लायक है तो मोदी ही है। एक व्यक्ति ही स्वीकार किया, मुलायम सिंह यादव। इन लोगों का दिल में है
ऐसे हाथ रखकर बोल दे कि हाँ ये बात नहीं है। इनको भी मन में है कि प्रधानमंत्री के लायक मोदी है, लेकिन कह दूंगा तो ये इलेक्शन का माहौल है हमारा क्या होगा। जय हिंद जय भारत। क्या नाम हो गया? राम केवल सिंह नाम है, राम केवल सिंह नाम है। अच्छा फिर जिला कौन सा हो गया? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। बाप रे बाप, मुजफ्फरपुर है। लीची मुलायम होती है, आदमी कड़क होता है। गजब है भाई। आ गया। ऐसा है कि आपने आज बहुत सीरियस डिबेट रखा, तो मैं एक सीरियस इंड पर इसको मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जल्दी, जल्दी, हाँ, जल्दी से ये कह रहा हूँ कि देश में अभी लाल कृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा कि हमारे विचारधारा के विरोधी हमारे दुश्मन नहीं है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी की कार्यकर्ताओं की सभा में कहा कि जो स्थिति बन रही है उसको खत्म किया जाए। अगर मेरे खिलाफ कोई बोलता है या टीवी पर लड़ते हैं उससे आप प्रेरणा मत लीजिए, आप मीठी वाली बोलिए, विनम्र होइए और दिल को जीतिए। तो मैं देश भर के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि हम लोगों ने बचपन से राजनीतिक संघर्ष किया है, छात्र आंदोलन से लेकर पत्रकारिता तक भी, लेकिन राजनीतिक विरोधियों से हमेशा दोस्ती और मित्रता बनी रही है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन मोदी जी जो आगे लोगों को ज्ञान देते हैं और अपनी बातें बताते हैं, खुद पर लागू नहीं करते। अभी कल ही कहा कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं मुझे मारना। अरे कौन से देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है? कौन से देश? प्रतीक जी आप बताइए, आपको पता था नेहरू जी की जाति क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जाति क्या है? पहली बार इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने भाषण में चुनाव के सामने जाके बोला है मेरी ये जाति है। प्रधानमंत्री को गालियां दें, प्रधानमंत्री का अपमान करें, लेकिन उसके बाद भी इनके दिल पर हाथ रखे और ये खुद पूछे तो ये कहेंगे आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी और कुछ नहीं। आज अवधेश जी ने तीन चार शेर यहाँ छोड़ दिया, तो एक किसानों की तरफ से छोड़ ही दिया जाए। दोनों के लिए है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, क्या बात है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आदम गोंडवी जी बिल्कुल। हाँ। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर यहाँ पर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, क्या बात है। आज सीबीएसई का रिजल्ट भी आया, तमाम सक्सेसफुल बच्चों को, यहाँ पे किसी के बच्चे यहाँ पे? अच्छा आपकी कहा आपकी? मेरी बेटी अदिति 92% लेके आई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं जीवन की। आप ऐसे ही फोटो खींचती रहें और ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात। शुरू हो रहा है।